हरेक समस्याओं का मुकाबला करके आपने मंजिल को हासिल किया। आज ये आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण करती है और अनुसरण करती है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो उस समय का जो आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति साहू जी महाराज जो महू मध्य प्रदेश के महू छावनी के राजा थे, उन्होंने सर्वप्रथम अपने राज्य में इस दलितों के आरक्षण की वकालत किया, सर्वप्रथम अपने राज्य में इस दलितों के आरक्षण की व्यवस्था की और बाबा साहेब अम्बेडकर को इस दलितों के समाज के बीच में लाकर खड़ा किया कि आपका अपना नेता मिल गया। वो छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी समाज के थे, उन्होंने देखा अपने राजा के उस समय के राजा अपने महलों में अपने घुड़सवारों में घोड़ा रखा करते थे। उन्होंने एक दिन अपने दरबार में जाकर घोड़ों को देखने लगा, देखा कि राजा ने देखा कि जो धनवान जो बलवान जो मेहनती और जो घोड़े थे वो छोटे छोटे घोड़े के सारे चारा खा लेते थे, उसके हिस्से को मार लेते थे। और इसका आकलन करके छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण का सोच बनाया कि जो हमारे समाज के गरीब समाज के लोग आज तक वंचित हैं, अगर हम उन्हें आरक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए साथियों आज कोई साबित किया है बिहार की धरती पर, कोई साबित किया है तो माननीय नीतीश कुमार जी है। बाबा साहेब अम्बेडकर जब इस देश के आजादी के बाद प्रथम कानून मंत्री बने तो उन्होंने कानून मंत्री के तौर पर लोकसभा के अंदर जो हिंदू कोर्ट बिल के माध्यम से सर्व समाज के महिलाओं के लिए जो हिंदू कोर्ट बिल के माध्यम से व्यवस्था देने के लिए आरक्षण देने के लिए उसके पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए जब बिल पेश किया तो उस समय के कथित लोगों ने विरोध किया और बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन साथियों आज तो हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी, हम लोगों के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी वो बाबा साहेब अम्बेडकर का एक सपना पूरा और किए। उन्होंने बिहार में उसी महिलाओं को हर तरह से आरक्षण की व्यवस्था करके समतामूलक समाज के निर्माण में पहला इस देश में कदम रखे। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार जी, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार जी। बाबा साहेब अम्बेडकर के तमाम बताए हुए रास्ते को आज अगर कोई पूरा कर रहा है तो हम लोगों के बीच में वर्तमान सम्मानित लोगों के नेता है। इसलिए साथियों आज अपने विभाग के तौर पर कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर सोचते हैं कि कैसे महादलित समाज के लोगों का विकास हो, कैसे समाज के लोग मुख्य धारा और शैक्षणिक व्यवस्था में आगे आवे। उस प्रकार से हम लोगों ने विभाग में भी बहुत सारा काम करने का काम किया है। हम लोगों ने आज बताते हुए खुशी हो रही है मुझे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सलाह दिया विभाग के तौर पर कि जो महादलित समाज के बीच में जो सामुदायिक सेट का निर्माण हो रहा है वो सामुदायिक सेट का निर्माण 6 लाख रुपया में पहले बनता था, आज महंगाई के दौर में इतने महंगे हो गए सामान, दलित समाज को बैठने के लिए उसकी पंचायती करने के लिए उसके रिश्तेदारों को वहां रखने के लिए आज उस कॉस्ट को बढ़ाकर एक बढ़िया सामुदायिक सेट 20 से 21 लाख रुपया में बनाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया।